हेलो हेलो अनिल भाई। अनिल भाई कैसे हो? बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है यार। तू एक काम कर यार, जल्दी से मेरे घर आ जा। क्यों, क्या हुआ? क्या मुझे हुआ जरूरी बात करनी है। यार, कुछ तो बता। देख यार, तू जल्दी से घर आ जा, मैं डिटेल में बताता हूँ। ओके ओके, तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ओके थैंक यू अनिल भाई। यार इतनी लेट, तेरे को पता है 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये देख। कूल डाउन, मुंबई की ट्रैफिक का तो तुझे पता ही है ना? तेरे को ट्रैफिक ही पड़ी है, तेरे को पता है यहाँ पे टेरिफिक हो गया है। अबे दरवाजे पे खड़े रहकर चिल्लाओगे तो टेरिफिक का पता है तेरे को, टेरिबल हो जाएगा। ओ शिट, अब बता हुआ क्या है? क्या रे बाबा, फिर से? आर यू श्योर? हाँ यार, 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, आई एम श्योर। अब क्या करोगे? एक ही ऑप्शन है, अब तलाक। तलाक? वो भी कितने, 15 साल की शादी के बाद? आजकल तो 1 साल की शादी के बाद ही तलाक हो जाता है, मैंने तो फिर भी 15 साल निकाले हैं। चल छोड़ यार, एक बात बता, पहले वाले में और अभी वाले में इतनी गैप क्यों? जब पहले वाला ही मेरा नहीं निकला था ना, तो मैं डर गया था, इसलिए मैंने फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी थी। पर ये दूसरा कैसे हुआ? क्या बोला? वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम, वाह बेटा, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम दे दिए काम करने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। तेरी ऑनेस्टी पे मुझे कोई शक नहीं है, बल्कि तूने तो आउट ऑफ द वे जाके भी परफॉर्म किया है यार। काम का प्रेशर कम करने के चक्कर में वो लेटरल डैमेज हो गया यार। ये सो कॉल्ड कोलेटरल डैमेज तेरी ही प्लानिंग का फेल्यूर है यार। उस वक्त मैं हर न्यूज चैनल पर कोरोना कोरोना सुनाई दे रहा था। कोरोना, इट्स कोरोना, कोरोना वायरस। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना आज इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना से भी आगे निकल चुका है यार। एक तो पहले से मुझे इतनी शर्म आ रही है, ऊपर से मुझे और शर्मिंदा मत करो। ड्रामे बस सर। एनीवेज बधाई हो। थैंक्स। अबे मैंने तुमको यहाँ पे बधाई देने के लिए नहीं बुलाया, सॉल्यूशन बताओ यार। पहले मुझे वो अपना वर्क फ्रॉम होम वाला प्रोडक्ट तो दिखाओ। प्रोडक्ट और प्रूफ दोनों दिखाता हूँ, वो देखो। तन्मय हिदायत, सिंधी में हिदायत का मतलब है। इधर तो आओ, आई अंडरस्टूड, थोड़ी बहुत सिंधी मुझे भी आती है। डाडो सुठो, डाडो सुठो, दिखा, नहीं आ रहा है। अरे यार उसको सुनाई नहीं दिया होगा, फिर से बुलाओ। मैं अगर उसको 100 बार भी सिंधी में बुलाऊंगा ना, तब भी वो नहीं आएगा। अब क्या करोगे? अब देखो तन्मय, इधर तो आओ।
ये 2 साल का है? 2 साल का बच्चा मिल नहीं रहा था शूटिंग के, इसीलिए इसको बुलाया है। और इसको अंदर ना, इसके अंदर एक्टिंग का बहुत बड़ा कीड़ा है, अब क्या करें, एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो कैरेक्टर में तन्मय, इधर तो आओ। दिल को हजार बार रोका रोका रोका, दिल को हजार बार टोका टोका टोका। तो जो नालो छा है, तेरा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम है तन्मय। तुझे पापा जो नालो छा है, तेरे पापा का नाम क्या है? मैं तेरा पापा नहीं हूँ। रो मत बेटा। तन्मय छा पियन दो। तन्मय क्या पीता है? जाके खेल जा। देखा, ये मेरी अपनी सिंधी भाषा ही नहीं समझता है, अब तू ही बता ये मेरा अपना बच्चा कैसे हो सकता है? इसीलिए मुझे तलाक चाहिए। काम डाउन यार मेरे हिसाब से तो माँ और बाप दोनों का ही अपना बच्चा नहीं है। मतलब मेरा डाउट सही निकला? एक मिनट, बाप का तो है ही नहीं, ये बता माँ का कैसे नहीं है? लगता है भाभी अपनी हिंदी सुधारने के चक्कर में अपने ही बच्चे से हिंदी में बात करती है। अगर भाभी को इंग्लिश आती ना, तो आज तेरा बच्चा अंग्रेज होता। वो कैसे? हाय सुधारी वाली फीलिंग। देखा नहीं है, लोग आजकल अपने पेट डाउन से भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। टॉमी कम हियर, स्टैंड अप। हाँ यार, एक्चुअली जब कोई इंग्लिश में बात करता है ना, तो ऐसा लगता है कि सच बोल रहा है। यार कोई रीजन है अपनी मदर टंग में बात नहीं करने का? हर घर की यही कहानी होती जा रही है। पहले तो ये फैशन था, अभी ये एक बीमारी से हो गई है, कोरोना से भी बड़ी। फैशन, बीमारी, मैं समझा नहीं। व्हाट्सएप को ही ले लो, 50 से भी ज्यादा भाषाओं का ऑप्शन है उसमें, सिंधी भी है उसमें। सेम फैमिली के लोग जो भाषा जानते हैं वो भी इंग्लिश या हिंदी में व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। सही कह रहे हो, सिंधी और सिंधियों की अचीवमेंट्स भी इवन विद इन सिंधी कम्युनिटी हिंदी में ब्रॉडकास्ट होती है। व्हाट एन आयरनी। जो बच्चा अपनी मदर टंग में बात ना करे, या जिसके माँ बाप अपने ही बच्चे से अपनी मदर टंग में बात ना करें, शर्म करें, परहेज करें, इन्फीरियरिटी समझें, उस कम्युनिटी में या उस फैमिली में अपनापन कैसे हो सकता है? पता नहीं हम किसे धोखा दे रहे हैं। योर मदर टंग इज नॉट योर स्टेप मदर। मातृभाषा मात्र रह जाने से पहले इसके उपयोग की मात्रा को बढ़ाएं। अपनी मातृभाषा में ही बोलें, अपनी मातृभाषा में ही बुलवाएं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे।